हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो K12X 5G फ़ोन में अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो K12X 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपका मोबाइल डाटा जो वो काम नहीं कर रहा है, मोबाइल डाटा ऑन नहीं हो रहे या ऑन तो हो रहे लेकिन चल नहीं रहा है, सारे ही ऐप्स में ऑफलाइन दिखा रहे, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस बैकअप एंड रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही रीसेट के सेटिंग्स आ जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो इस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे तो अगर आपके फ़ोन में पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है तो उसको डालना होगा, तभी आपके जो है नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। और इसमें आपका जो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग होता है गाइस, जो आपका मोबाइल डाटा वगैरह का जो है डाटा के जी फाइल्स वगैरह होते हैं मोबाइल डाटा का, ये सब जो है क्लियर हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा और आपका जो है नेट नहीं चल रहा था वो भी चलने लग जाएगा। फिर भी नहीं चल रहा है तो आपको सिम को निकाल के फिर से लगाना है, सिम वन पे है तो टू पे लगाना, टू पे है तो वन पे लगाना, ऐसा करने से भी नेट चलने लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो K12X 5G फ़ोन में आप लोग इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।